कभी कभी अचानक से आपके सामने कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है जिसे देखने के बाद आपको 440 वोल्ट से भी तगड़ा झटका लगता है कि ये क्या हो गया यार, ये कैसे बोल दे रही है। मतलब जानवी कपूर जो है, इनका सीधे सीधे तौर पर ये कहना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने जो भी पहचान बनाई है वो पापा के पैसों से नहीं, अपने टैलेंट के दम पर बनाई है। इसमें उन्होंने दिन रात तगड़ी मेहनत की है, पापा का इसमें कोई भी योगदान नहीं है, क्योंकि उनके पापा के पास पैसे थे ही नहीं कि वो खुद की अपनी बेटी को लॉन्च कर दें। इनका ये कहना है कि जिस तरह के मौके मुझे मिल रहे हैं, हर फिल्म में मुझे काम मिल रहा है, ये कोई नेपोटिज्म का काम नहीं है और ना ही मेरे पापा की पहचान से मिला है। पहली फिल्म के लिए आप मुझे ये कह सकते हैं कि भाई श्रीदेवी की बेटी है इस वजह से इसे काम मिल गया, दूसरी फिल्म के लिए भी आप यही राय रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जितनी भी फिल्में मुझे मिली है वो मुझे मेरे टैलेंट के दम पर मिली है, मेरी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर मिली है, मैंने दिन रात कड़ी मेहनत की है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना ये मुकाम खुद से बनाया है। ऐसी बात नहीं है कि मैं लोगों को पैसे दे रही हूं कि ताकि वो मुझे फिल्मों में ले सके, मैं मेहनत कर रही हूं, कड़ी मेहनत कर रही हूं, दिन रात मेहनत कर रही हूं, तभी तो मुझे फिल्में मिल रही है। जानवी कपूर का ये कहना है कि मैं उतनी अमीर नहीं हूं और ना ही मेरे पापा के पास पैसे हैं कि वो फिल्मों में लॉन्च कर सके, वो खुद के पैसे बर्बाद करके अपने बच्चे को लॉन्च करे ऐसा संभव नहीं है हमारे परिवार के लिए, हम बहुत गरीबी में जी रहे हैं। बाप जो है बोनी कपूर, वो धड़ाधड़ एक के बाद एक कई फिल्में प्रोड्यूस कर रहा है, साउथ में फिल्में बना रहा है और वो खुद की बेटी को लॉन्च नहीं कर सकता है। कहां से लाते हैं ये लोग इतना दिमाग यार, कहां से। कुछ दिन पहले बोनी कपूर ने भी ये कहा था कि श्रीदेवी जो थी उन्होंने साउथ में 150 से 200 फिल्में की थी, उसके बाद वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई और उन्होंने अपनी मेहनत पर अपनी पहचान बनाई। मेरी बेबी यानी जानवी कपूर ने अभी किरदारों को समझना शुरू किया है, आप सभी उसका ख्याल रखिए, उसके काम की तुलना उसके माँ के साथ मत कीजिए। अरे बाप रे, हैप्पी दिवाली।